बढ़ गया है। सब्जी का दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पता नहीं कैसे छठ पूजा होगा, उस भी समझ में नहीं आता है। सब चीज बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बहुत महंगा, अपना बजट के बाहर है। अब समझ में नहीं आ रहा है अब घर चलेगा तो कैसे चलेगा, आमदनी है नहीं और खर्चा बहुत ज्यादा है। जी जी मैडम, मेरे घर में भी हो रहा है। आए थे तो इसे सब सब्जी लेने के लिए, पर कद्दू का सबसे ज्यादा जरूरत का था, पर कद्दू इतना महंगा बोल रहा है, अपना बजट के बाहर है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लें क्या नहीं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कल से शुरू है, चार दिवसीय इस व्रत का जो है प्रारंभ सबसे पहले नहाए खाए से होता है। और इस दिन मान्यता है कि जो व्रती हैं वो कद्दू के सब्जी बना करके कद्दू का भोजन बनाती हैं और वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के सबसे बड़ा मंडी यानी अंटा घाट में, और यहाँ की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो सब्जी की बिक्री की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अंदीना यानी कि रोज के दिन से जो आज जो सब्जी है यानी कि जो ये छठ पूजा के चलते जो है वो सब्जी के दाम में जो है वृद्धि हुई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो सब्जी मंडी में आई हैं सब्जी खरीदने, और इनसे हम सवाल करेंगे कि क्या लगता है कि सब्जी का दाम बढ़ गया है। सब्जी का दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पता नहीं कैसे छठ पूजा होगा, उस भी समझ में नहीं आता है। सब चीज बहुत महंगा है, अभी कैसे कुछ पता है, कैसे बताया जा रहा है, कोई 60 रुपए जोड़े बोल रहा है, कभी 100 रुपए जोड़ा बोल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है सब्जी क्या है, कैसे लूँ। क्या लेने के लिए आई थी आप? कद्दू लेने आए, कद्दू का 100 रुपया बोल रहा है, कैसे सब्जी लेंगे, कैसे पर्व हो। अंदीना यानी इसके पहले आप अगर खरीदने आती थी तो कैसे? 20 रुपये, ये तो दुल्हना ही बोल रहा है, कैसे ले पर्व लोग करेगा, दाम बढ़ गया, बहुत दाम बढ़ गया है, ऐसे थोड़े होता है, बढ़ाता भी है तो 10-20 बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि कुछ कह ले कि नहीं। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? मेरा बैजू शाह नाम हुआ। सब्जी खरीदने आप आए थे? जी जी मैडम। सब्जी का भाव कैसे है? क्या बहुत महंगा, बहुत महंगा, अपना बजट के बाहर है, अब समझ में नहीं आ रहा है अब घर चलेगा तो कैसे चलेगा, आमदनी है नहीं और खर्चा बहुत ज्यादा है। जी जी मैडम, मेरे घर में भी हो रहा है। आए थे तो इसे सब सब्जी लेने के लिए, पर कद्दू का सबसे ज्यादा जरूरत का था, पर कद्दू इतना महंगा बोल रहा है, अपना बजट के बाहर है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लें क्या न लें। ये तो भी बोल रहे हैं 100 रुपये किलो, अब 100 रुपये किलो अपने बजट के बाहर है, मैं क्या करूं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, लूं या ना लूं, कुछ जरूरत से बाहर है। बिल्कुल, तो जो यहाँ खरीदने के लिए ग्राहक जो आए थे उन लोग का साफ तौर से कहना है कि जो सब्जी में जो है वो बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन भीड़ जो है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है उस मंडी में वो भीड़ लगी हुई है, यानी कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के चलते जो है वो मंडियों में खास करके भीड़ देखी जा रही है। लोग जो है अपने अपने घरों के लिए सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। हम और भी बात करेंगे। सर कैसे सब्जी, कैसे सब्जी है अभी तो देख रहे हैं कि 70 रुपये गोभी। हाँ, कद्दू का दाम 70 रुपये को कद्दू, 70 रुपये कद्दू, रेट बढ़ गया है क्या छठ के चलते? छठ के चलते क्या खरीदने के लिए आए थे भाई? हम लोग तो सब्जी खरीदने के लिए आए। क्या खरीदने आई थी मैडम? सब्जी। क्या क्या सब्जी में क्या लेने आई है? गोभी। क्या लगता है दाम में कुछ वृद्धि हुई है? बहुत ज्यादा, आसमान छू रहा है। अंदीना लेने के लिए आती थी तो क्या इसी तरह के दाम? ना ना, अभी बहुत ज्यादा दाम बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है बिल्कुल। तो जो जिनके घर में व्रत हो रहे हैं यानी जो जिनके घरों में छठ पूजा हो रही है उनके घर, हमारे दुकानदार से भी बात करेंगे। सर दाम बढ़ा है क्या सब्जियों का? हाँ, दाम सब्जी का बढ़ गया है। कद्दू का कैसे है? कद्दू 70 रुपए किलो है। और ये गोभी 140, सीम 100, और परवल 100, और बाकी सब्जियों का रेट जो है सब में दाम बढ़ गए हैं, सब में बढ़ा हुआ है। छठ पूजा के कारण है? हाँ नहीं, छठ पूजा के कारण है, वहाँ पर है ये नहीं है, खेत में है ये नहीं है, सब डूब गया बारिश से। पहले यानी छठ पूजा के पहले भी यही रेट? हाँ यही रेट था, आज भी यही रेट है। लोग तो बता रहे हैं कि दाम बढ़ गए हैं। हाँ दाम नहीं बढ़ गया, वही रेट है, वही रेट बिका ही रहा है, एक किलो 140। पहले तो सब्जी जो कद्दू महिला जो खरीदने के लिए आती थी तो मैक्सिमम कद्दू के खाली छठ के लेके बारा हुआ है, गोभी का रेट वही है जो शुरू बिक रहा है, जो आज बिक रहा है। और धनिया का पत्ता का कैसे रेट है? धनिया का पत्ता, धनिया पत्ता 40 का पाव है। कद्दू का ही है। तो देखिए कि किस तरह से जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं। यहाँ आइए कुछ और भी लोग से हम बात करेंगे। भाई दाम बढ़ा है सब्जी का क्या? सब्जी महंगा अभी बिक रहा है, छठ के कारण है क्या?
महंगा वहीं बिक रहा खेत में। छठ के कारण कोई असर नहीं पड़ा है सब्जी पर? कोई असर नहीं। लेकिन जो यहाँ खरीदने के लिए आई है सब्जी, वो लोग बता रहे हैं जो ग्राहक है वो कह रहे हैं महंगा अभी खेत में बिक्री हो रहा है। सब्जी की आमदनी कम है। क्या भाई? सब्जी का आमदनी कम है, खेत में पैदा जो हुआ सब बरसात जो दशहरा में हुआ उससे आमदनी कम गया। खेत में सारा फूल पत्ती झरा हुआ है, सारा खेत डूबा हुआ है, तो सब्जी का आमदनी कम रहने के कारण किसान का महंगाई बढ़ा दिया है। तो सब्जी मंडी में रहेगा नहीं तो महंगा तो होबे करेगा। खेत में तेल का यहाँ पेट्रोल भी बढ़ा ले, डीजल भी बढ़ा ले, तो किसान क्या करेगा? किसान इतना ही ना महंगा बढ़ा दिया है कि हम लोग को क्या करना है? दुकानदार थोड़ी पेट कर रख के आता है दुकान करने के लिए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे दुकानदार, और भी हम बात करेंगे। भाई साहब, ये अगस्त का फूल का छठ पूजा में काफी इसका डिमांड होता है, कैसे रेट है इसका? 80 रुपए का 100 ग्राम बिक रहा है। और इससे पहले छठ पूजा के पहले कैसा बेचते थे? हम नहीं बेचते थे, ऐसे ही बेचते थे। उससे पहले हम बेचते नहीं है, साल में एक ही बार बेचते, एक ही बार आते दुकान लगाने। हाँ, बाकी सब दिन ओल कोहरा भतुआ बेचते हैं। कैसे रेट है ओल? 40 रुपए किलो है। पहले ही का रेट है, पहले ही का रेट है। बिल्कुल, तो आप देखिए ये अगस्त का फूल है और इसका जो डिमांड जो है वो व्रती जो है जिस दिन पारण करती हैं, यानी कि पारण के दिन ये बनता है, और इसका रेट जो है 80 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर के आप सब्जी खरीदने आई हैं? जी। क्या खरीदने आई हैं? कल पर्व का तैयारी करना है। अच्छा, क्या लगता है कि रोजाना का जो रेट रहता था आज कुछ दुगना तिगना है? दुगना तिगना है जी। कैसे व्रत को आप कर पाइएगा? ऐसे में लग रहा है कि मुश्किल है। अब क्या करें, पर्व के नाम पे सब चलता है, सब चलता है। बिल्कुल, तो क्या नाम हुआ आपका? मीना कुमार। क्या खरीदने आई है? ये सामान खरीदने के लिए, सब्जी वगैरह। सब्जी में दाम बढ़ गया है सब्जी? बहुत ज़्यादा। जो सब्जी कल के रेट में कुछ रहता था आज के रेट में दुगना बिक रहा है। दुगना बिक रहा है। बिल्कुल, तो आइए हम यहाँ जो है सब्जी में हम आलू और इसका भी थोड़ा रेट जान लेते हैं। भैया, ये नयका आलू का क्या रेट है? अभी तो 240 रुपए पसेरी बिक रहा है। और पहले कैसे बेचते थे? पहले तो 130, 40, 50। छठ के कारण दाम बढ़ गया है? हाँ, दाम बढ़ गया। प्याज का कैसे रेट है भाई? प्याज 180 का 5 किलो है और 200 का 5 किलो। इसमें भी कुछ बढ़ा है? प्याज सेम का सेम ही है? हाँ, थोड़ा मैं इधर उधर हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना। आइए और भी हम बात करते हैं, ये पुरनका आलू का क्या रेट है भैया? 30-40। पसेरी में बताइए ना। पसेरी में ना बताइए। पसेरी तो बता रहे 130 का, 140 का। दाम बढ़ गया है? नहीं। हाँ, छठ के कारण हुआ है क्या? नहीं नहीं, आगे से आलू नहीं मिला। पुराना आलू अब कम होते जा रहा है, दाम बढ़ते करेगा, छठ कारण से नहीं हुआ। तो जैसा कि लोक आस्था का महापर्व ये 4 दिवसीय व्रत जो है वो व्रती करती हैं, और शुरुआत इसका जो है वो एक तरह से कहा जाए तो व्रती जो है नहाय खाय से इसकी शुरुआत हो, यानी कि कल दिन सोमवार से छठ का जो है शुरुआत हो रहा है। लेकिन मंडी का अगर आपको बता दें कि आप अगर मंडी में आ रहे हैं तो ज़्यादा बजट लेकर के आइए, क्योंकि मंडी में जो सब्जियां हैं उसका दाम जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे में जो व्रती हैं उनके लिए थोड़ा काफ़ी महंगा पड़ रहा है सब्जी खरीदना, खास करके कद्दू। जिस कद्दू का रेट पहले 20 से 25 रुपये में बेचा करते थे, आज वही 100 के एवं में जो है वो आ गया है। देखने वाली बात रहेगी कि जो महापर्व है व्रती, एक तरह से इसको हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, लेकिन किसी का आस्था जो है वो कम नहीं दिख रहा है। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।